नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y33s versus Samsung Galaxy M32 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y33s में 2.99 इंच जबकि Galaxy M32 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y33s में 0.31 इंच जबकि Galaxy M32 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y33s से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y33s में 182 ग्राम जबकि Galaxy M32 5G में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y33s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo Y33s में IPS LCD जबकि Galaxy M32 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y33s में 6.58 इंचेस जबकि Galaxy M32 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y33s में 1080x2408 और Galaxy M32 5G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y33s में 83.76% जबकि Galaxy M32 5G में 81.63% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y33s में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M32 5G में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y33s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M32 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y33s में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M32 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y33s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy M32 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y33s में Mali G52 जबकि Galaxy M32 5G में Mali G57 MC3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y33s में MediaTek Helio G80 और Galaxy M32 5G में MediaTek Dimensity 720MT6853V मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y33s में 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y33s में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y33s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी M32 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Vivo Y33s आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Realme X7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Power है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।